वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना महामारी की अगर बात करी जाए तो पिछले कुछ समय से लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अब जाकर कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,286 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सोमवार को 15,510 नए मामले सामने आए थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो इसके बाद कल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1.11 करोड़ के पार आ पहुंचा है और अब देश में संक्रमित मामलों की संख्या कुल मिलाकर 1,11,24,527 हो गई है। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए हुए चुनावों में रविवार को 60% से अधिक मतदान हुआ था। कुल 8,235 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने 8,161 उम्मीदवार, कांग्रेस ने 7,768, आम आदमी पार्टी ने 2,090 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है और वे लोगों से मुलाकात कर अपने चुनावी प्रचार करने में जुटी हुई हैं। और वहीं यानी कि आज असम के तेजपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी जनसभा होनी है। इस जनसभा से पहले प्रियंका गांधी आज सुबह महिला चाय बागान में मजदूरों से मुलाकात करती नजर आई। यहां भी प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज दिखा। वो यहां पर टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से अपने बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल के मालदा में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होनी है। दरअसल चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चुनावी प्रचार करने का फैसला लिया है। यही वजह है कि अब पार्टी के दिग्गज मिशन बंगाल को धार देने पहुंच रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शारजाह से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E1412 की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल बताया जा रहा है कि एक पैसेंजर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराकर पैसेंजर का इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। तो अभी के लिए प्रमुख खबरों में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।